जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है हम जो क्वेश्चंस लगा रहे थे तो उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, 7 नंबर सवाल से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी कि रेगुलरली जो है सीरीज में है, और जिनका योगफल 15 है, गुणनफल 80 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 15 एंड द प्रोडक्ट इज 80। देन फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स जो है वो आपको ज्ञात करें, यानी कि फाइंड आउट करने हैं आपको नंबर्स क्या होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो नंबर्स आप मान लीजिए, एक नंबर हमारा होगा a माइनस डी, एक a और a प्लस डी, ये 3 नंबर्स इस प्रकार से माने जाते हैं, ठीक है जी। अब बोला है इनका जो सम है वो कितना होगा, 15 होगा। कितना सम होगा? 15 होगा। तो सम 15 यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ठीक है, वो 15 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे, a से d कैंसिल हो गए, a a a यानी कि 3a इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 15। अब बोला साथ में ही इनके जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी a और a प्लस डी जो है वो 80 के इक्वल है। तो हमने इसको क्या ले लिया है, प्रोडक्ट में ले लिया है। तो प्रोडक्ट में जब हमने लिया है तो a माइनस डी और a प्लस बी डी मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन गया, ओके प्यारे बच्चों, इक्वल टू 80। तो a की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, 5 का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 80। तो 5 से काट दो, 16 आ गया, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, माइनस कर लो तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू और ए की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो नंबर्स निकल जाएंगे। अब आपको पता है नंबर क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। a की वैल्यू 5 माइनस d की वैल्यू क्या है आपकी, 3, तो इसलिए यहां पर 3 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू 5 और यहां पर 5 प्लस 3, तो यहां पर आ गया 2, इधर 5, इधर 8। देन द नंबर्स इज 2, 5 एंड 8। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दी गई है आपके पास और 9वां पद क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। ये सेम ही आ गया यहां पे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 बेटा। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछली को अगली से माइनस, 6 माइनस 3 यानी कि 3। 9वां पद मतलब a9 निकालना है आपको, ठीक है, a9 निकालना है। तो a9 कैसे निकलेगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 3, 9 माइनस 1 8 हो गया। d की वैल्यू कितनी है, 3, आंसर कितना आ रहा है, 27। तो 27 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। मगर ये
यहां पर देखिए आप क्वेश्चन मिस्टेक है ये, कारण क्या है देखिए, जब इसको डिफरेंस ले रहे हैं तो प्लस सिक्स तो आया ही नहीं, ये थ्री आया, अगले का कर रहे हैं तो ट्वेल्व आ रहा है, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक का नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए गलत हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनिएगा मेरी बात को, यानी कि ये क्वेश्चन किसमें चला गया बेटा, जीपी में चला गया है, किसमें आ गया है जीपी में। तो अब क्या है देखिए, जीपी के केस में क्या होता है, ये चीज मतलब जहां हम माइनस करते थे वहां पर अब डी की जगह आर होगा, ठीक है, यानी कि रेशियो होती है, कॉमन रेशियो होती है, सिक्स ओवर थ्री, देखो टू आया, बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्या बता रहे हो, मैं बोलूंगा टी टू ओवर टी वन करना है आपने, फिर से देखो टी थ्री ओवर टी टू करके देखो, 12 को 6 से करके देखो कितना आ रहा है, तो भी 2 आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी 2 आया। अच्छा एक और देखो, 24 को भी 12 से करो, 24 को भी 12 से डिवाइड करो, तो 12 टू जा कितने हो गए 24, इसका भी 2। इसका मतलब जब हम पिछली टर्म को अगली टर्म से डिवाइड करते हैं तो अगर इक्वल रेशियो में आ जाए, जैसे इसका 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 डिवाइड करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन एपी का नहीं, अब ये जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो कि हमारी टेंथ में नहीं आता, ये प्लस वन क्लास में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों पहले तो याद रख लो कि ए एन का फॉर्मूला जहां पे एपी में क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जीपी में क्या होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। अब इसमें एन की वैल्यू आपके पास नौमा पद बोला है, एन की वैल्यू नौ है, तो ए आर रेस टू पावर नौ माइनस एक हो जाएगा, आपको क्या निकालना है ए नाइन। ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, वो वही रहेगी, ए की वैल्यू थ्री रहेगी, आर की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो थ्री हो गया, आर की वैल्यू कितनी होगी टू, नाइन माइनस वन एट। अब कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेट कर लो, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस दुनी दो सौ छप्पन, ठीक है, और 256 दिए 768, 768 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नौमा पद जो है वो इस प्रकार से रहेगा, इसी प्रकार से इन्होंने हमसे एनवा भी बोला है, नाइन्थ एनथ पद, एनथ मतलब ए एन, एन की वैल्यू नहीं बोली है, तो ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है, तो ए की वैल्यू आप पुट कर दो थ्री, आर की वैल्यू सेम रहेगी, एन को एन रहने देंगे प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं है, बस सिमिलर इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, और ये हमारा एनथ वैल्यू के लिए इक्वेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के जो हल हैं वो क्या रहे, वो रहे 768, और ये निकली एनथ टर्म। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर देखिए गुणो उत्तर श्रेणी खुद बता दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 54 यानी कि फोर्थ टर्म जो है, यानी कि ए फोर जो है वो आपका 54 है, और नाइन्थ टर्म यानी कि ए नाइन 13122 है, तो आप फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो आर और सिक्स्थ टर्म ये तीनों को ज्ञात करके बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन बट लंबा क्वेश्चन, पेपर में बस ये ही इसका मेन रहता है कि लंबा लगता है क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे किस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा,
ए फोर के लिए आ गया ए रेस टू पावर आर फोर माइनस वन इक्वल टू 54, तो ए आर रेस टू आर कितना हो गया 3, ये आ गया आपका 54। इसी प्रकार से ए आर एस टू पावर 9 माइनस वन इज इक्वल टू 13122, 9 माइनस वन कितना हो गया, यानी कि एक कम ही होगा ना, 8। ये दो आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं। अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है, ए आर क्यूब सॉरी 8 और ए आर की पावर 3 इक्वल टू 13122 ओवर 54। अब कटिंग कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, आर से ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया, आर की पावर 3 इज इक्वल टू इसको इससे काट दो 243 आ गया, 243 आ गया, ठीक है जी, ठीक है, 5 आएगा यहां पे, ठीक है, 3 3 9 3 7 8 9 10 81 243, ठीक है जी, यानी कि 3 की पावर 5, आर की पावर 5, 5 से 5 गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्या आ गई आर की वैल्यू, 3 आ गई, ठीक है, इसको लो इसमें पुट कर दो, ए 3 की पावर 3 इक्वल टू 54, 3 की पावर 3 का क्या अर्थ हो गया, यानी कि 54/27, 3 3 9 3 27 काट दो, अब आप इसको 27 1 * 27 = 54, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी आपकी 2 होगी, 2 हो गई, तो पहला पद जो आपने पहला पद पूछा गया था तो वो आ गया आपका, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ए की वैल्यू, और कॉमन रेशो आर जो पूछी थी वो हो गई हमारी 3, ठीक है, और इन्होंने अब हमसे पूछा है इसी सवाल में 6th टर्म यानी कि 6वीं टर्म, तो 6th टर्म को कैसे निकालेंगे, ए 6 को निकालेंगे, ए 6 के केस में क्या आएगा, ए आर रेस टू पावर 6 - 1 यानी कि 5, ए की वैल्यू होगी 2, आर की वैल्यू होगी 3 की पावर 5, 2 3 को इससे गुणा कर लीजिए, 3 3 9 3 27 3 81 243, बोलो क्लियर हो रहा है, इसको गुणा कर दीजिए, 3 2 6 4 2 8 2 2 4, 486 जो 486 है वो हमारी 6th टर्म जो है वो जीपी की हो जाएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो सही से समझ आ गया होगा, बारी बारी मैंने बताया है सभी को निकालना, थोड़ा लंबा जा रहा है, बट ये है कि इसका ये मेन बेसिक पूरा परफेक्ट जो है मेथड यही है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखिए यहां पर आ गया समांतर, अब वहां पर था गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को बोलते हैं, गुणोत्तर यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को बातों को आपने क्या करना है, याद रखना है, माइंड में रख लेना बेटा, ठीक है। अब ये सीरीज दी गई है और इसमें 16वां पद पूछा है, अब क्वेश्चन बदल गया है, तो देखिए कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा बोलो, पिछली टर्म को अगली से माइनस करेंगे, और जीपी में क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 2 आ गया, 16वां पद यानी कि ए 16 निकालना, तो ए 16 के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस 16 - 1 × d, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 16 - 1 यानी कि 15, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है जी, 3 ये आ गया, 15 3 45 और टोटल हो गए 48, 15 2 3 मैंने 15 3 कर दिया,
चलो कोई बात नहीं, लड़का बहुत तेज है, तीन ये 15 और ये 2, 3 ये आगे 15 दुनी 30 और 1 33। सी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन गिनी जाएगी। सी ऑप्शन, आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की एक्यूरेसी को देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, फिर से एपी का ही क्वेश्चन आ गया। समांतर श्रेणी बोलते बच्चा नहीं है तो इंग्लिश में देख लिया करो क्वेश्चन। 12th टर्म बोली है फाइंड करने को और ये रेशियोज दी हुई है, सीरीज दी हुई है। निकाल लो, ट्राई मार लो, मारोगे तो ही होगा। कैसे करेंगे? ए की वैल्यू बोलो 14, डी की वैल्यू बोलो 9 - 14। याद रखना पिछली को अगली से बच्चा क्या करते, माइनस करते, माइनस के 5। निकालना क्या है? 12वां पद a 12, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चा 14, डी की वैल्यू माइनस 5, कितने रह गए? -41। ऑप्शन बी देख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर निकल रहे हैं। बस मेथड को संभालिए, नोट्स को मेंटेन करिए, बस मेथड संभालिए, नोट्स को मेंटेन करिए। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया समांतर श्रेणी, और यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लगाएं क्वेश्चन और कुछ नहीं है, आंसर आ चुका है, बट इसका कोई बात नहीं, हम आंसर फिर भी सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू होगी 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 8 और 1 = 9, 9/2 - 4, तो डी की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, 105वां पद निकालना है, तो a प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू होगी 4, 104 ये हो गया, d की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 काट दो, 2 × 1 = 2, 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 4 + 52 कितने हो गए? 56। कितने हो गए? 56। ए ऑप्शन, क्वेश्चन वही है, समझने हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको आ जाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही जा रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, और 87 पद, टर्म 87 निकालनी है, जल्दी से निकालो। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू क्या होगी? 7 - 2 हो जाएगा 5। ए 87 निकालना है, ए प्लस 86 हो जाएगा डी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कौन सा पद भैया, क्या है ये? नहीं होगा, पद बोला है, वो पद बोला है, यहां पर ऑप्शंस भी दी हैं। कमेंट नहीं करते हो सभी, बस ऐसे बैठे रह रहे हैं, ऐसे नहीं, कमेंट करते रहिए। ये 87 ये वाली वैल्यू दी है। चलो, अगर आपको ध्यान नहीं रहा है मैं फिर से समझा देता हूं। ये एक बॉक्सेस है, यहां पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, और इस बॉक्स वाला जो नंबर है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, ये वाली वैल्यू पूछी है इस बार, ये वाली निकालने को नहीं पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है। जैसे कि आपका ये है 2 है, ये पहले स्थान पर है, 7 दूसरे स्थान पर है, 12 तीसरे स्थान पर है, ऐसे ही चौथे स्थान पर क्या है? 17। अब बताओ कि 87 जो है वो कौन से स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों? ये सवाल में पूछा है, ना कि ये पूछा है
कि 87 नंबर स्थान पर कौन सा डिजिट है, ये नहीं पूछा है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है मेरी बात को। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 87। a की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू 5, दो साइड ले जाओ, माइनस कर दो, 5 से काट दो, n माइनस वन इज इक्वल टू 17, तो n इज इक्वल टू 18। 18वां पद जो है वो होगा हमारा 87। आई होप कि आपको आंसर समझ आए होंगे, क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अगला सवाल समांतर श्रेणी का है और 139 में कितने पद हैं, मैं कितने पद हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, 139 में कितने पद है? सेम सवाल है, 7 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर। अब बताओ कि 139 में कितने पद हैं, ये चीज पूछी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीज nth है इस वक्त, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी 7, d की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस 7, कितने हो गए 4, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी होगी 139, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 139। ए की वैल्यू पुट कर दो 7, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी होगी लाड लो 4, 139। चार उस साइड ले जाएंगे, माइनस कर दो, कितना हो गया 7, माइनस करो 132, चार से चारती है 12, चारती है 12, और n माइनस वन इज इक्वल टू 33। तो वन उस साइड गए तो कितना आ गया n इक्वल टू 34, बी ऑप्शन 34 इज द आंसर। समझ आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट आए तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, डाउट आए तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, x का मान निकालना है r in ap, ap में ही आपको इसका क्रम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताएं, ट्राई मारिए सभी, ट्राई मारिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, बेहतर तैयारी करने का समय है चल रहा। चलो मैं बता देता हूं, अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, यू किया करो, ठीक है, जब इस प्रकार से एपी पूछनी हो, ठीक है। अब खोलो इसको, x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस, ब्रैकेट्स ओपन, तो सिंबल चेंज्ड, तो क्या आ गया आपका 10 माइनस x हो गया, ठीक है। इसको भी इससे माइनस किया, कितना आ गया 2x, और इससे माइनस किया तो 8 हो गया, पूरे परे कर लो सभी, 10 और 8, और ये यहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, सी ऑप्शन बल्ले बल्ले हो गई। क्वेश्चन में ऐसे कंप्लीट जो है वो हो जाता है, बट ये वाली जो स्टेप है वो आपको दिमाग में रखना होगा। अगला सवाल,
एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, बारहवां पद 70 है, प्रथम पद क्या होगा? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 14। फोर्थ टर्म मतलब ए फोर जो है वो 14 है, एंड ट्वेल्थ इज 17। फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकाल कर दो। बहुत ही सिंपल सवाल, ट्राई मारिएगा। ए प्लस फोर माइनस वन यानी कि 3d, और ए प्लस 11d मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इतना समझ आ गया। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए और डी की वैल्यू को, ठीक है? ए प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ए प्लस 11d इज इक्वल टू 70। कितना रह गया? माइनस 8d माइनस के 56, डी की वैल्यू आ गई 8×7 7। 7 इसमें पुट कर दो क्योंकि ए ही चाहिए हमें। ए प्लस 21 इज इक्वल टू 14, 21 दूसरी साइड चले जाएंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 7। तो माइनस 7 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन कहलाएगी आपकी। क्वेश्चन कितने क्लियर हुए? ऑल क्लियर हुए कि नहीं हुए हैं जरूर बताना है आपने, ठीक है? एक और करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई मारने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, इन्होंने बोला है शून्य पद बताना है। शून्य कब होगा इनकी? जीरो कब होगा? ए की वैल्यू यानी कि 72 हो गई, डी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 63 माइनस 72 कितनी होगी? माइनस के 9। तो ए एन इक्वल टू 0 हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी होगी? 72। एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 9 इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया जी? 72 माइनस 9n माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। 72 में 9 डाल दो, कितने हो गए लाडलो? 81 इक्वल टू 9n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 9, यानी कि 9वां पद हो गया जो हमें निकालना था। सी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन वो माननी जा रही है और ये इसका सही आंसर गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली संख्या है जो कि पूर्णतया विभक्त होगी। ट्राई मारिए। 3 अंकों की संख्या की कहानी मैं सुना देता हूं, छोटी सी कहानी है। 99 आते हैं ना, 99 के बाद 100 आते हैं, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। ऐसे ही करके 999, 999 3 डिजिट, उसके बाद 4 डिजिट नंबर हो जाते हैं। हमें 3 डिजिट नंबर के लिए बोला है तो यहीं से सीरीज बनानी है, ठीक है? अब इन्होंने बोले 6 अंकों से संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त हो, तो 6 से डिविजिबल कौन कौन सी हैं वो आप देखिए। 102, फिर 102 आता है ना, देख सकते हो आप 6 से 6 कम 6, ठीक है? फिर 4 आएंगे और वो किससे चलेंगे? 42, ठीक है? 42 हो जाते हैं, ठीक है जी? 6×7 = 42, ठीक है जी? फिर उसके बाद 102 में 6 जमा कर दो, 108, 108 में 6 जमा कर दो, कितने हो गए? 114। क्लियर हो रहा है? अब डॉट डॉट डॉट, अब लास्ट से शुरुआत करो।
लास्ट से शुरुआत करो, नौ 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 जाता है नहीं जाता है, फिर उसके बाद आठ को देखो, 998 997 नहीं जाता है, फिर 996 जाता है जी, कौन सा जाता है, 996 जाता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 102। डी की वैल्यू तो हमें पता लगी, ये है 6 का डिफरेंस आ रहा है, और ये क्या दिया हुआ है, ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 996। ए की वैल्यू 102, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इक्वल टू 996। 102 दूसरी साइड ले जाओ, 996 माइनस 102 कितना हो गया लाडले, 894। 6 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा जी, कर दो जी 6 से, 6 कम 6 के आगे 7 और 8 2 हो गए, 29 हो गए, 36 हो जाते, नहीं 29 है ना ये, ठीक है, 6 चौके 6 कम 6 2 29 हुए ना, ठीक है, तो 6 कम 6 6 चौके 24 6 चौके 24 5 आ गए और 6 सते 56 होते हैं, नहीं कट रहा नहीं है यार, कहीं पे देखिए, कटिएगा काटिएगा काटिएगा, छोटा डिजिट ले लेते हैं, माइनस वन इजकल टू 894/6, 2 से ले लो, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, ठीक है, n इज इक्वल टू 447/3 माइनस वन, एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 3 गए तो 440, फोर ओवर थ्री, 443/3 आ रहा, कुछ इस तरीके से जा रहा है, कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे, कहीं मिस्टेक लग रही है, कोई बात नहीं मैं देख लेता अभी, 2 मिनट दे दो मेरे को, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल कट रहा तो है भैया, क्या बात होगी, बोल रहे हैं नहीं कट रहा है, कट रहा है 894/6 से, 6 से काटो, 6 कम 6 के आगे करो 7 8, 2 आ गए ना, 29 हो गए, 6 चौके 24, 5 आए और 6 9 जा कितने होते हैं, 54, इसलिए 9 आएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 149, n इज इक्वल टू 1 इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 150, ये आंसर रहेगा 150, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन रहेगी, और देख लीजिए कोई डाउट आए तो वो पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपने परफेक्ट करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और पीडीएफ साथ में देखिए, और बने रहिए इसी चैनल पे, और एप्लीकेशन विजयपथ गवर्नमेंट ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।